लास्ट वीडियो के एंड में जिस होटल का जिक्र मैंने किया था विस्परिंग पाइंस के नाम से, हम उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। आए मैं आपको उसका विजिट करवाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये पहाड़ी इलाके के अंदर बना है, बल्कि पीक पर बना हुआ है, तो इसका लैंडस्केप भी देखने से ताल्लुक रखता है, इवन के पार्किंग ऊपर नीचे। अब ये देखे ना, ये भाई साहब मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हैं, शायद मैंने ये पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद लेना या होटल खरीदने आया हूँ। हालांकि उसे क्या पता, हम इधर सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आए हैं और ये बेहतरीन जगह है। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के आसपास बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। केपी के आगे इधर इधर ये देखे जालमा, चाहे तो पिला दे। ये क्या लिखा है, तू लंघ जा साड़ी खैर है। यानी कि केपी के वाले भी पंजाबी कहते हैं तू लंघ जा साड़ी खैर है ना। ट्रक आर्ट के ऊपर जहाँ सा उन्होंने क्या बनाया हुआ लिखा हुआ पंजाबी में, पंजाबी हर जगह छाए हुए हैं। यहाँ पर बेहतरीन और खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट्स भी बने हुए, चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ और ये पाइन्स के दरख्त में घिरे हुए जो रिजॉर्ट्स बने हुए ना, यहाँ पे स्टे करने का अपना ही मज़ा है। बंदा बहुत पुरसकून तरीके से रिलैक्स हो सकता है यहाँ पे। जैसे मुख्तलिफ शहरों में चीं चीं पाँ पाँ टीं टीं पाँ पाँ होता है शोर शराबा, खैर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सुकून और फ्रेश माहौल। और ये इनका ये डेक बना हुआ है दरख्तों के अंदर से, और ऊपर फ्लोर पे भी ये वाला माहौल है जबरदस्त, सामने पाइंस का व्यू है। काफी ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है इस होटल ने, माशाल्लाह काफी बड़ा होटल है, खुला डुला। इधर तो कहते हैं दिखाएं माहौल जरा व्यूअर्स को। गेम्स और एंटरटेनमेंट के लिए इधर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये पूल टेबल। उसके अलावा जो सबसे फेवरेट प्लेस है वो ये वाली है, इसका रूफ टॉप जो इस होटल की सबसे ऊंची जगह है वो ये है। यहाँ का जो व्यू है ना, ये अब आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, कमाल, स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही सरसब्ज पहाड़ नीचे, वो भी आपके ऊपर नीचे, ये एक मंजर जो है बड़ा दिलकश है, कसम से मजा आ गया। ये लोग कितने मजे से, ये सामने घर बने हुए लोग रह रहे हैं यहाँ जी। इस्लाम सुबह के साथ सलमान आपके साथ, और आज हम इस टाइम पहुंचे हैं विस्परिंग पाइंस, जो कि अगर आप इस्लामाबाद से निकले दामने को क्रॉस करें 10-12 किलोमीटर का मेरा कदम फासला है, तो रस्ते में पहले मोनाल आता था, दी मोनाल रेस्टोरेंट, जो कि अब वफात पर आ गया, ख़त्म हो गया है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था। हमें अपने मोनाल की जो यादें हैं, जिस तरह पहाड़ में बैठ के अच्छे व्यू के साथ खाना खाना, तो उस सिलसिले में हम फिर इधर पहुँचे हैं, और बड़ा मज़े का ये नया बना है। अभी इससे आगे भी एक और इसका फेज़ बन रहा है, फेज़ टू, ये फेज़ वन है विस्परिंग पाइंस, तो बहुत ज़बरदस्त है इधर, मतलब बड़ा पीसफुल माहौल है और बड़ा ज़बरदस्त। कैमरा मैन दिखाएँ ये विस्परिंग पाइंस, पाइंस के दरख्त देखें इस्लामाबाद में 5-6 हज़ार के मिल जाते हैं अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ पे ऑब्वियसली अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे, जिस तरह आपके इधर साफ सुथरा माहौल है, लेकिन इस तरह का माहौल तो कहीं भी नहीं है ना। ये पाइंस के जो दरख्त हैं यहाँ पे बड़ा मजा है। बड़े रूम्स भी, हॉल्स वगैरह भी होते हैं? जी जी, हॉल्स भी है, मीटिंग हॉल्स भी है। अच्छा अच्छा, 40 लोगों का भी है, मनु लादा अंग्रेजी से। That's end of my English. चलो जी, थैंक यू भाई। एनीवेज, इनके खाने का रिव्यू मैं देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें। और इधर स्टे मैंने खुद तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि अच्छा रिकमेंडेड प्लेस है। और यहाँ पर खूबसूरत कलरफुल परिंदे जो है ना, ये देखना मत भूलिएगा।